कराची में अगर आप विजिट करते हैं ना, तो हर शॉप के ऊपर ना एक आपको सिंपल कूलर पड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें लोग बर्फ़ डालते हैं और पानी वगैरह पीते हैं अपना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे पंजाब में तो पिछले 12-15 साल से है, तो आज से कोई 3 साल पहले मैंने भी ये कराची में ये इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, और उसके बाद फिर इसके माशाल्लाह काफ़ी बिजली मिली। तो उसमें ये था कि एक तो आपका बिजली का बिल जो है वो काफ़ी कम आता है, दूसरा ये है कि उसमें आपको जो है बर्फ़ का जो इस्तेमाल है वो नहीं करना पड़ता। फिर इसमें जो है कि हमारे मुख्तलिफ साइज़ हैं, प्लास्टिक बॉडी की रेंज अलहदा से है और स्टील बॉडी की रेंज अलहदा से है। जी रिव्यू ये है कि ये जैसे अभी इसमें हमने पहले जो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग में उसमें ये था कि 220 वोल्ट वाले हमारे पास सिर्फ कूलर थे, और अभी हमने डीसी इन्वर्टर भी बना दिए हैं और 12 वोल्ट वाला भी बना दिया। ये देखिए ये हमारा ये नॉर्मल 220 वोल्ट वाला है। ये कूलर पहले जो था इसका लोहे का स्टैंड होता था, ठीक है, वो देखिए वो कूलर उधर पड़ा हुआ है जो पुराने स्टाइल का जो पिछले साल वाला था, बिल्कुल ठीक है ठीक है। ये फिर हमने ये स्टील का बना दिया। अच्छा उसमें ये था कि उसमें थर्मोस्टेट नहीं था, और उसमें ये जो थी ये जो हमने ये प्लेट लगाई है, प्लेट भी नहीं थी, उसमें कॉइल होती थी। उसको भी अगर आप खोल के देखेंगे उसमें आपको कॉइल नजर आएगी, वो भी पहले दिखा दें। तो एक तो हमने ये प्लेट लगा दी है, दूसरा इसमें हमने थर्मोस्टेट भी लगा दिया, ठीक है। ये देखिए ये थर्मोस्टेट लगा हुआ, ठीक है। इसमें ये है कि आपको बार बार इसको बंद नहीं करना पड़ता, दोबारा इसको चलाना नहीं पड़ता। इसका ये देखें ये डेनफोर्स का इसका जो कंप्रेसर है जी, ठीक है, ये वाला ये 220 वोल्ट वाला है, ठीक है। ये जनाब इसका ये लगा हुआ है जनाब इसका थर्मोस्टेट, ये इसका फ़ैन है, ये इसका कंडेंसर है, और ये जो प्लेट है इसमें जंग वगैरह नहीं लगता, ये इम्पोर्टेड प्लेट है तो, और बकायदा ये कोटेड है। ये जी अपना जो प्लास्टर बॉडी में है हमारे पास, ये 25 लीटर से लेके 100 लीटर तक है हार्डेस्ट स्टॉक जो होता है, और इसके अलावा जो स्टील बॉडी में है वो 40 लीटर से लेके 100 लीटर तक हार्डेस्ट स्टॉक होता है, और उसके अलावा जो है अगर आपको ऑर्डर पे बनाना है तो 1000 लीटर तक आप एक हफ्ते के टाइम पे, मतलब 100 से ऊपर जितने हैं वो आप 1000 लीटर तक आप बनवा सकते हैं एक हफ्ते के टाइम पे। इसमें जी 15000 से हमारा शुरू होता है ये 25 लीटर का, ठीक है, और एंड तक जो हमारे जो जाते हैं मतलब स्टील बॉडी वाला मिला के 40000 तक जा रहे हैं, क्योंकि रेट अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए पहले मैंने डिटेल मतलब बताता था। तो अभी हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जब चेंज हो जाती फिर लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे तो आपने ये बोला था, तो इसलिए हमने ये कहा है कि अभी जो करंट चल रहा है 15 से लेकर 40000 तक का ये इसका रेट चल रहा है। ये 35 लीटर वाला है भाई, ठीक है, ये देखें इसमें ये है, ठीक है, ये इसी तरह से ये 55 लीटर वाला है। अभी 100 लीटर वाले जो हैं बाकी अभी वो थोड़ी देर पहले अभी ख़त्म हो गए हमारे पास। हमारा टारगेट टाइम होता है ना वो हम आपको यही बताते हैं कि 2 घंटे में आपका पानी ठंडा हो जाएगा, तो 2 घंटे में ठंडा होता है। इस हिसाब से हमने कंप्रेसर की जो फिटिंग है हमने की है, तो कम से कम आपका 8 घंटे तक ठंडा रहेगा। आपने 2-3 घंटे इसको चला लेना है, उसके बाद 8 घंटे आपका पानी ठंडा है। वो इसलिए हमने किया है कि अगर आपको, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत होती है, तो अगर घर के अफराद हैं, शॉप है, मसाजिद हैं, आपके गोदाम हैं, आपके मतलब हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, मतलब जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहे, अगर लोग ज़्यादा हैं उस कैपेसिटी से लोग खरीद रहे हैं इसको। जी ये हमारा स्टील बॉडी वाला कूलर है जी, ये देखिएगा, ठीक है, और इसमें जो है अपना ये वाला दिखाइएगा, ये देखिए ये इसको ऐसे लगा के ये बेसिकली आपका 60 लीटर का बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी है, ये ऑप्शन इसको दी हुई है, ठीक है, तो ये 40 है, अगर ये 19 बना है तो 59 लीटर आपका बन जाता है ये वाला ना, 59 लीटर, हाँ जी। और ये देखें ये इसका जो है, ठीक है, ये इसमें बकायदा थर्मोस्टेट लगा हुआ, जैसे उसमें थर्मोस्टेट लगा वैसे इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ। ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी है जी और नॉन मैग्नेट है, ठीक है, नॉन मैग्नेट है, और इसमें फूड ग्रेड, ये जो अंदर वाली बॉडी है ये फूड ग्रेड होती है ये वाली। देखिए मशीन है, कभी ख़राब भी रहती है, मगर हो जाए तो हम उसको रिपेयर करके देते हैं, 1 साल की इसकी वारंटी है। और इसके अलावा ये है कि 10 दिन तक आप इसको यूज़ करें, और अगर ये आपका मतलब तो ये आपको पसंद नहीं आता बगैर किसी रीज़न के, आप इसको वापस कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो 30000 है, ये जो अपना है ना 40 लीटर वाला जिसके ऊपर बोतल भी, ये 30000 से ये स्टार्ट हो रहा है ये वाला। ये जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको पता है कि
बिजली वगैरह नहीं है, सोलर पे चलाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा 12 वोल्ट वाला है ये, 12 वोल्ट वाला पहले बताया था वो 220 वोल्ट वाला है, ये 12 वोल्ट है, ये आपका सोलर प्लेट पे चलेगा, ठीक है। ये सोलर के लिए है, ठीक है। ये इसकी डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। ये इसका कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ठीक है। इसका ये फैन लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसकी ये जो केबल है ना, ये वाली जब आप लगाएंगे, ये 220 पे है, इसको आप 220 पे लगाएंगे तो ये इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस पर चला देगा। और ये जो इसकी केबल है, ये इसकी केबल है जी, ये वाली जो देखिए, ये केबल लगी, ये 12 वोल्ट पे लगेगी, इसके ऊपर आप उसको लगाएंगे बैटरी के ऊपर, ठीक है। बैटरी पे लगा के तो ये आपका चलेगा प्रॉपर। ये हमारी है जी इधर जो राबिया पैलेस है, ये हमारे बिल्कुल साथ में B1 गेट है, 57 ए शॉप का नंबर है हमारा, और इसके बिल्कुल सामने अलादीन पार्क है।